हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको ईवीएस के शॉर्ट नोट्स करवा रहा था जो कि एनसीईआरटी बेस हो सकते हैं आपके प्राइमरी लेवल पर, जो आने वाले सीटेट एग्जाम को जो कि 6 दिन बाद है, वो आपको जल्दी से जल्दी पूरे 15 नंबर को गेन में, ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करने में आपकी मदद करेगा। तो शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको 9 चैप्टर तक करवा दिए थे, आज हम बात करेंगे उससे आगे वाले चैप्टर की। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर कौन सा है? 10th, जो कि कौन सा करवाया था मैंने आपको? खेल। तो खेल जो चैप्टर था इंपॉर्टेंट, मैंने आपको 16 से 17 पॉइंट करवाए थे, लेकिन आज हम बात करेंगे जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो पहला क्या बोल रखा है, खिलाड़ी की योग्यता की पहचान उसके खेल से होती है, ना कि उसकी जाति या आर्थिक स्थिति से। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि खेल में, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई खेल जो होते हैं ऐसे जो फाइनेंशियल रूप से खिलाड़ी काफ़ी मजबूत होते हैं, और कुछ क्या होते हैं आपके गरीब वर्ग से होते हैं। तो अब जो खिलाड़ी होगा उसकी जो योग्यता होती है उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखते हुए नहीं होती, उसके कितनी योग्यता है, कितने कैपेबिलिटी है, कितनी उसके अंदर प्रतिभा है, उस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए, ना कि उसकी जाति या फिर उसकी आर्थिक स्थिति को लेते हुए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कबड्डी के टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो कबड्डी की टीम होती है उसमें टोटल खिलाड़ी आपके 12 होते हैं, लेकिन ऑन द फील्ड यानी कि जब आपके वहां पर खेलने जाते हैं तो 7 खिलाड़ियों को भेजा जाता है और 5 खिलाड़ी रिजर्व रखे जाते हैं। जैसे क्रिकेट की टीम में क्या होते हैं, 16 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन खेलते कितने हैं? 11, बाकी 5 प्लेयर रिजर्व होते हैं, वैसे ही आपके कबड्डी में होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। उसी के साथ साथ में कबड्डी में आंख, हाथ और पैर का जबरदस्त तालमेल रखना पड़ता है। क्वेश्चन पुटअप हुआ था ये आपका कि वह खेल कौन सा है जिसमें आंख, हाथ और पैर का जबरदस्त तालमेल रखना होता है। तो कौन सा खेल है वो? आपका कबड्डी। नेक्स्ट है आपका, खो खो टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो जैसे कबड्डी की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं आपके? 12, वैसे ही आपके खो खो में भी टोटल 12 प्लेयर होते हैं, लेकिन खेलते कितने हैं एक बार में? 9 खिलाड़ी, और बाकी के 3 प्लेयर कहाँ होते हैं आपके? रिजर्व रखे रहते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ये आपके खिलाड़ी यानी कि प्लेयर्स आपसे पूछा जा सकता है गेम्स से। तो कुछ क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे भी जा चुके हैं, तो ये था आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट खेल चैप्टर 10th से। चलिए नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 11th क्या दे रखा है? परिवहन के साधन, यानी कि जो आपके इधर उधर जाने के लिए, परिवहन के लिए कौन कौन से साधन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपका पहला, आसाम में बांस से बने पुल वर्षा ऋतु में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि आपको पता भी होगा, आसाम एक ऐसा एरिया जहां पर वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है, वहां पर जो घर बनते हैं वो भी बांस के ऊपर बनाए जाते हैं, 10 से 12 फुट की जमीन से ऊंचाई पर। तो वहां पर जो वर्षा ऋतु जब ज़्यादा चरम सीमा पर होती है, जब वर्षा वहाँ पर ज़्यादा होती है, तो नदियों को पार करने के लिए लोग वहाँ पर क्या बना लेते हैं? बांस के पुल बनाकर उसका आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रथम बार 16 अप्रैल 1853, ध्यान रखिएगा, पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में रेलगाड़ी चली थी भारत में, जो कि किसके द्वारा चलाई गई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन कि कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 में पहली बार रेलगाड़ी चली थी, कहाँ पर? मुंबई से ठाणे के बीच में। कितने किलोमीटर की? 34 किलोमीटर की। और फादर ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज किसे कहा जाता है? तो आपका एक नाम आता है, क्या नाम है उनका? तो लॉर्ड डलहौजी उनका नाम था। ओके, तो ध्यान रखिएगा, पहली बार ये रेलगाड़ी चली थी भारत में। नेक्स्ट है आपका, लद्दाख में बच्चे नदी पार करने हेतु ट्रॉली का सहारा लेते हैं। तो जो लद्दाख है वहाँ पर जब नदियाँ पार करनी होती है वहाँ के स्कूल के बच्चों को, तो एक जिप लाइन बनी रहती है, एक वायर के ऊपर ट्रॉली लटकी रहती है, उस पर बैठकर स्थानीय लोग और वहाँ के स्कूल जो बच्चे जाते हैं, नदियों को पार करने का उनका ये तरीका है। नेक्स्ट है, केरल में कुछ भाग में बच्चे पानी को पार करने हेतु वल्लम, मतलब लकड़ी की बनी एक छोटी नाव होती है, उस पर बैठकर स्कूल जाते हैं, तथा स्थानीय लोग भी उसी पर बैठकर नदियां क्रॉस करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केरल में छोटी नाव को या लकड़ी की बनी छोटी नाव को क्या कहा जाता है, तो वल्लम कहा जाता है। नेक्स्ट है, जुगाड़ एक वाहन होता है जो कि फटफट की आवाज़ करता है। तो ध्यान रखिएगा, जुगाड़ क्या होता है, एक तरीके से ये लगा लो कि साइकिल या मोटरसाइकिल का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके पीछे भाग में क्या कर दिया जाता है, लकड़ी के फट्टे लगाकर उस पर इस्तेमाल करने के लिए वाहन के रूप में आने जाने का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल करते हैं? गुजरात में। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके नेक्स्ट चैप्टर परिवहन के साधन से।
नेक्स्ट चैप्टर 12th क्या है, तेल एवं परिघटनाएं मैंने आपको करवाया था, तो ये थोड़ा चैप्टर लंबा मैंने आपको बताया था, लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको। और ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो कई बार आप कमेंट करते हो और मैं आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो उसी के लिए मैंने आपका एक न्यू एप्लीकेशन का अपने बोलो एप्लीकेशन के साथ कोलैबोरेशन करा है, यानी कि आप बोलो एप्लीकेशन पर जाकर वहां पर मेरे प्रोफाइल पर टच करके आप मेरे साथ वीडियो कॉल में कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि एक बार सर से कंफर्म कर लेते हैं इसके बारे में कोई डाउट है या कोई प्रश्न पूछना है या किसी भी रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में कुछ पूछना है, तो वहां पर जाकर आप बोलो ऐप पर, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पहला कमेंट मैंने लिख रखा है, पिंच कर रखा है, वहां जाकर उस लिंक पर जाकर आप डायरेक्टली मेरे प्रोफाइल पर जा सकते हो और आपके द्वारा कोई भी प्रश्न हो जिसका मैंने आपका कमेंट का कई बार मिस हो जाते हैं, कई काफी बच्चों के कमेंट आते हैं तो कुछ मिस हो जाता है या फिर आपको कोई सजेशन लेना हो, तो वहां पर जाकर उस पर आप रजिस्ट्रेशन करके आप मेरे से वीडियो कॉल में कॉन्फ्रेंस करके वीडियो कॉल से बात कर सकते हो। ओके, अगर मैं आप उस टाइम ऑन द स्पॉट बिजी हुआ तो मैं वहां पर आपको मैसेज मिल जाएगा कि मैं आपको 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद खुद कॉल करूंगा। ओके, तो वहां पर आप मुझसे वीडियो कॉल पर बात करके अपनी डाउट को पूछ सकते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन हुआ किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक के रिलेटेड वहां पर जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे साथ साथ वहां पर काफी और एक्सपर्ट है, वहां पर भी जाकर उनसे भी आप बात कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट, वहां पर मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर रखा है और वहां जाकर आप उस पर चेकआउट कर सकते हो उसको। ओके, चलिए पहला पॉइंट क्या बोल रखा है, मिट्टी का तेल, कोयला, गैस व लकड़ी के उपले, ये सारे के सारे क्या है, एक ईंधन के स्रोत हैं, जो कि समय समय अनुसार, जैसे कि प्रेस वाला कोयले की प्रेस का इस्तेमाल करता है, पहले लकड़ी व उपले का इस्तेमाल किया जाता था और आज भी थोड़ा बहुत उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सारे के सारे क्या है, उसके ईंधन का ये स्रोत है। नेक्स्ट है, गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर आप गोवा से केरल के रास्ते में जाते हो काफ़ी औसम रेल ट्रिप होगा अगर आप जाओगे तो, जिसमें से आपके 92 सुरंगें और 2000 पुल आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में काफ़ी घने जंगल भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, सर्वाधिक शोर वह धुआं कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए और ये पूछा जा भी चुका है कि सबसे ज़्यादा शोर और धुआं कहाँ होता है, तो हाईवे यानी कि जो आपके नेशनल हाईवेज होते हैं, राजमार्ग होते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा धुआं और शोर देखने को या सुनाई देता है। नेक्स्ट है, धुएं से श्वसन रोग मतलब दमा यानी कि टीवी तथा तेज हॉर्न से यानी कि आवाज़ से बहरापन या पक्षघात जिसे आप लकवा भी कहते हो वह हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि धुएं से दमा यानी कि टीवी की बीमारी जो कि सांस नलियों में धुआं बैठने से हो जाता है और तेज हॉर्न से बहरापन या फिर लकवा पक्षघात भी हो सकता है। नेक्स्ट है, जमीन से निकला गया तेल गहरे रंग का तथा गाढ़ा व बदबूदार होता है, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा भी गया था कि जमीन से जब तेल निकलता है उस तेल को किस प्रकार की प्रकृति में आप वितरित कर सकते हो, तो चार ऑप्शन वहां पर देखने को मिल जाएंगे आपको, जिसमें से आपका एक ऑप्शन होगा गहरे रंग का, गाढ़ा तथा बदबूदार, ये आपका जो आप जमीन से तेल निकालता है वो उसकी विशेषताएं होती हैं। ओके, इसी को रिफाइनरी करके अलग अलग चीजों में निकाला जाता है, जैसे कि कैरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इंजन ऑयल हो गया, हवाई जहाज के तेल वगैरह हो गए, इन चीजों को प्राप्त करके इसको रिफाइनरी किया जाता है, जैसे कि हमें कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के ईंधन तेल रिफाइनरी से ही प्राप्त होते हैं और एलपीजी, मोम, कोल, तार, ग्रीस भी हमें इसी से प्राप्त होता है, तो जब जमीन से तेल निकाला जाता है, तेल निकालने के बाद जब उसको रिफाइन करा जाता है, रिफाइन करने पर ही हमें ये सारी की सारी चीज उस तेल से मिलती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट है, प्लास्टिक व पेंट यानी कि जो आपकी प्लास्टिक्स वगैरह होती हैं और पेंट होती हैं उनको बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, उन मिनरल ऑयल बोल सकते हैं आप उसे, वो जो तेल्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्लास्टिक व पेंट को बनाने के लिए किस तेल का इस्तेमाल किया जाता है, तो खनिज तेल का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर खनिज तेल को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो प्लास्टिक व पेंट को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ में डामर जो कि एक कोयले का प्रकार होता है उसी को कहते हैं, जो कि सड़क निर्माण में
प्रयुक्त होता है, यानी कि जब सड़क बनते होंगे तो आपने देखा होगा काला काला पाउडर सा इस्तेमाल करते हैं, वही क्या होता है आपका एक कोयले का प्रकार होता है, उसी को ये डामर कहा जाता है, तो वो सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कोयले के जो रूप होते हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे कि पीट जिसको आप डामर भी कहते हो, खराब कोयला होता है वो, लिग्नेटाइट हो गया, विटोमिनस हो गया, या फिर आपका गेटोसाइट्स हो गए, ये सारे के सारे क्या है, कोयले के प्रकार है, जिसमें से डामर जो होता है वो भी कोयले का ही प्रकार है जिसको सड़क के बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आज के आपके तीन चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट दो वीडियो में यानी कि 3 तारीख तक आपके पूरे के पूरे ईवीएस का जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के साथ साथ में मैं आपके इंपॉर्टेंट सीडीपी का भी इस्तेमाल स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि कम समय में आपको सीडीपी भी तैयार हो सके, जो कि इंपॉर्टेंट 15 चैप्टर मैंने आपको बताए थे। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, नहीं तो आप वहां पर जाकर बोलो ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए। ओके, तो अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।